मैं थोड़ा सा बताता चलूं देखने वालों को कि ना सिर्फ आप इंटरनेशनल पाकिस्तान प्रेस्टीज अवार्ड्स लंदन 2017 में नॉमिनेट हुई हैं फॉर योर फैबुलस परफॉर्मेंस इन ओडारी, यू आर ऑल्सो ऑन द एडवाइजरी पैनल. आप इन अवार्ड्स का इस तरह भी हिस्सा हैं कि आप एडवाइज़ भी कर रही हैं कि इस अवार्ड्स को किस तरह होना चाहिए. तो पहले थोड़ा सा उस हवाले से बात करते हैं. आपकी नज़र में IPPA 2017, व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट? एक्चुअली एक नया प्लेटफॉर्म है आर्टिस्ट को एक्नॉलेज करने का, उनके टैलेंट्स को अप्रिशिएट करने का, और हमें वाकई ज़रूरत भी थी क्योंकि हमारे पास चंद ही अवार्ड सेरेमनीज़ हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन हमारे पास ज़्यादा चॉइस नहीं है. अच्छा, दूसरे एक एक बुरी बात हमेशा से होती है, चाहे वो PTV था या दूसरे लक्स है या हम TV है या ARY, ज़रूर दूसरे उससे शिकायत होती है सबको. तो ये एक न्यूट्रल है अवार्ड है जिसमें किसी स्पेसिफिक चैनल का नहीं है, ये किसी स्पेसिफिक ब्रांड का नहीं है. सो ये इज़ फॉर एवरीवन, और ये अच्छी बात होगी और इंशाल्लाह इसमें किसी को किसी से शिकायत नहीं होगी. दूसरी ये कि हम इसको इंटरनेशनली करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक बड़ी बात है, और इसका एक बहुत बड़ा रिस्क भी है और एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव भी है जो कि हम चाहते हैं कि हम मुल्क से बाहर भी निकले, हमारा एक्सपोजर भी हो, हमारी थोड़ी रिकग्निशन और तरह की हो. तो उस वजह से मुझे लगता है कि ये एक नई चीज़ हम करने जा रहे हैं. एनी मैसेज टू योर फैंस आउट देयर इन द UK? मैसेज तो ये कि आपका बहुत प्यार का बहुत शुक्रिया, और आप हमारे ड्रामे देखते हैं, हम लोग से प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, फिर लिपट जाते हैं, पप्पियाँ करते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, चप्पियाँ लगाते हैं, बहुत अच्छा लगता है. बस पाकिस्तान से प्यार करते रहिए, पाकिस्तान के लिए हमेशा पॉजिटिव रहिए और खुश रहिए.